हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं सोलर दुनिया में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बैटरी टेस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में। अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई है या फिर आप चाहते हैं कि आपके बैटरी को आप टेस्ट करें, या फिर कोई भी ख़राब बैटरी आपके पास आती है, आप चेक करना चाहते हैं कि इस बैटरी की एक्चुअल कंडीशन क्या है, या फिर कोई भी नई बैटरी की कंडीशन आप देखना चाहते हैं, तो हर केस में ये जो टेस्टिंग डिवाइसेस हैं वो आप लगा के अपनी बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं। बैटरी टेस्ट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए सिर्फ दो छोटे इक्विपमेंट्स चाहिए। आप उस इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा दोनों इक्विपमेंट्स के बारे में मैं अलग अलग से वीडियोस और बना दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सोलर से रिलेटेड या फिर बैटरी इन्वर्टर लाइन से रिलेटेड हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और आपको नई नई जानकारियां देते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको लेटेस्ट जानकारियां नहीं मिल पाएगी। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो देखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस वीडियो को फॉलो करें, इस तरीके की नॉलेजेस को फॉलो करें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज़ की तरफ, जो कि है बैटरी टेस्टिंग। तो दोस्तों, जब भी आपको अपने बैटरी को टेस्ट करना हो तो उसके लिए आप दो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। पहला है मल्टीमीटर, जो कि आपके बैटरी का वोल्टेज बताता है, और दूसरा जो इक्विपमेंट है वो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या है कि आप अपने बैटरी के अंदर जो वाटर है, कुछ लोग उसको पानी बोलते हैं, बैटरी का पानी बोलते हैं, कुछ लोग एसिड बोलते हैं, एक्चुअल में बहुत लोगों को कन्फर्मेशन नहीं है कि उसके अंदर होता क्या है, लेकिन जो भी वाटर उसके अंदर है, मैं आपको बता देता हूँ, वो मिक्सचर होता है वाटर और H2SO4 का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का ये मिक्सचर होता है। तो उसकी जो डेंसिटी है वो चेक करने के लिए हम जो है हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं। दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, और जैसे ही वो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो है आपस में मूवमेंट करने देता है, जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और आप बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फेच कर पाते हैं। तो दोस्तों, वाटर में एसिड की डेंसिटी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है, वो चेक करने के लिए हम हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं, और वोल्टेज चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोमीटर कैसे यूज़ करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये हाइड्रोमीटर है। अगर आप इसको मार्केट से परचेस करने जाएंगे तो 150 से 200 के बीच में ये मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी का हाइड्रोमीटर 300-400 में आता है। इसके अलावा और भी तरह के हाइड्रोमीटर्स आते हैं, एडवांस लेवल के हाइड्रोमीटर्स आते हैं, जिनकी रेट्स काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आप ये हाइड्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक सा हाइड्रोमीटर भी जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस हाइड्रोमीटर के थ्रू आप अपने बैटरी की ग्रेविटी, इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग अपने लैब में चलते हैं और देखते हैं कि ये हाइड्रोमीटर होता क्या है, और हाइड्रोमीटर से हम अपने बैटरी को टेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हाइड्रोमीटर मेरे हाथ में है, और इस हाइड्रोमीटर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे ऊपर ये जो है ये रबर पंप है, रबर बल्ब भी बोलते हैं, पंप भी बोलते हैं, जो कि सक्शन करने के लिए काम आता है, और ये एक ग्लास का पाइप है जिसके अंदर वाटर जाता है। दोनों तरफ से ये खुला हुआ होता है, और ये जो पंप है ये इसके ऊपर लगा रहता है। फिर नीचे आप अगर देखेंगे तो नीचे एक स्ट्रॉ टाइप का लगा हुआ है, ये जो है बैटरी के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर जाता है, और यहाँ से पानी हम अंदर सक करते हैं। तो जब हमें टेस्टिंग करना होता है तो इस बल्ब के थ्रू हम पानी अंदर सक करते हैं। सक करने के बाद आप अगर ध्यान देंगे तो इसके अंदर जिस तरीके से एक थर्मामीटर होता है, उसी टाइप से अंदर एक मीटर लगा हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे मरकरी होता है, और बाकी यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, 1.101 ऐसे करके, कुछ लोग 1100 बोलते हैं, कुछ लोग 1200 बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, जब हम पानी इसके अंदर डालते हैं या जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर सक करते हैं, तो उसकी डेंसिटी के हिसाब से ये जो है फ्लोट करने लगता है, और हमें इसकी एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाती है।
उस रीडिंग के बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो बैटरी है वो चार्ज्ड है नहीं है, और जो पानी जो डला हुआ है या फिर जो बैटरी वाटर उसके अंदर है वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं है, वो हम डिसाइड कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से हम बैटरी में इसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक बैटरी है, मैंने इसके कैप्स ओपन कर दिए हैं और इसके अंदर 6 डिफरेंट सेल्स होते हैं और हर सेल का वोल्टेज जो होता है 2 वोल्ट होता है। ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर और सब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, तब जाके 12 वोल्ट की बैटरी बनती है। तो इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर एक्चुअली H2SO4 और वाटर का मिक्सचर होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट करता है, तो एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो अभी हम इसकी डेंसिटी नापते हैं कि एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट वो है कि नहीं है। तो देखिए हम इसमें किस तरीके से हाइड्रोमीटर डालेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहले वाले में डालते हैं, आप देखिए, और यहाँ पे हम ये जो पंप है इससे सक करेंगे। तो आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे वाटर जो है धीरे धीरे ऊपर आएगा। अच्छा, वाटर के साथ अगर आप देखेंगे ये मीटर भी अगर ऊपर आ रहा है ये मरकरी के साथ, तो जैसे जैसे पानी हम डालेंगे आप देखिएगा ये जो मीटर है वो उतने में ही फ्लोट कर रहा होगा। तो एग्जैक्टली ये जिस पॉइंट पे फ्लोट कर रहा है उस पॉइंट पे हमको इसका एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे ये देखिए, तो मोटा मोटी इसके अंदर जो है 1250, तो 1250 का जो फिगर आ रहा है वो ये बता रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है वो 1250 है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है। तो पहले सेल की जो डेंसिटी है वो 1250 है, 1.250 भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग 1250 बोलते हैं, अच्छा है ये होना चाहिए। अगर आपकी बैटरी चार्ज्ड है तो 1250 से 1300 के बीच में होनी चाहिए। वाटर डेंसिटी अच्छी है तो इसका मतलब 1250 मतलब अच्छी डेंसिटी है। अब हम नेक्स्ट सेल का देखेंगे, इसको हम वापस से बल्ब को छोड़ेंगे और ये वाटर इसके अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड सेल का चेक करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, हम ऊपर से इसको सक करेंगे और वाटर फ्लोट होके देखिए अंदर जा रहा है और ये अभी फ्लोट नहीं कर रहा, देखिए अब धीरे धीरे ये उठने लगा और ये फ्लोट करने लगा। जैसे जैसे पानी डालेंगे ये उसी पॉइंट पे फ्लोट करता रहेगा जिससे एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि इसकी फिगर क्या है। अगर मैं दिखाऊँ ये भी 1250, ये भी 1250 है, तो यानी कि ये पानी भी सही है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम जो है ये सारे सेल्स को चेक कर लेंगे और सबकी डेंसिटी अगर 1250 या उससे ऊपर है तो बहुत बेहतर है, अगर उससे नीचे है तो आपको बैटरी चार्ज करके देखना पड़ेगा। मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल बैटरी चार्जर है जिससे कि फास्ट चार्जिंग होता है, तो आप चार्ज करके देख सकते हैं 24 घंटे तक चार्ज कीजिए, तो हो सकता है कि आपके पानी की जो ग्रेविटी है वो अच्छी हो जाए। अगर ग्रेविटी अच्छी हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी ठीक है, अगर 24 घंटे में भी इसकी ग्रेविटी नहीं उठती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बैटरी में गड़बड़ी है। तो यहाँ से आप ग्रेविटी देख सकते हैं और मल्टीमीटर से आप जो है इसका वोल्टेज देख सकते हैं और उससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हाइड्रोमीटर से जब हमने टेस्ट किया तो हमारा जो फिगर आया करीब करीब 1250 के आसपास आया। अगर 1100 से नीचे का फिगर आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो पानी है उसके अंदर ग्रेविटी नहीं है, डेंसिटी ख़राब है, और काफ़ी चार्ज करने के बाद भी अगर उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी की जो प्लेटें हैं या फिर जो एसिड और वाटर की जो डेंसिटी है वो प्रॉपर नहीं है और आपकी बैटरी हो सकता है ख़राब हो। और अगर वो 1250 के ऊपर है या 1300 के आसपास है तो इसका मतलब बैटरी चार्ज है और पानी का ग्रेविटी लेवल बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप हाइड्रोमीटर से चेक कर सकते हैं, और अगर आपको मल्टीमीटर से चेक करना हो तो आप हमारा एक मल्टीमीटर वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो कि है मल्टीमीटर के बारे में, तो इंतज़ार मत कीजिए, अभी लिंक को क्लिक कीजिए और जाके मल्टीमीटर का वीडियो देखें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।